वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो BTS आर्मी. व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ आई टेल यू योर फेवरेट K-pop आइडल जिन कैन मीट इंडियन सुपरस्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एज रिपोर्टेड बाय गुशी. देन नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर वुड बी जिन एज दे हैव हिंटेड अबाउट इट. एंड इफ दिस केम ट्रू देन जिन एंड आलिया भट्ट कैन मीट इन द नेक्स्ट इवेंट ऑफ गुशी विच विल क्रिएट हैवक ऑन इंटरनेट. बाकी इंडियन BTS आर्मी, आप लोगों को हिंदी में बताऊं तो अगर आप BTS के चाहने वाले हो और आपका हमेशा से सपना रहा है कि कब BTS मेंबर्स हमारे किसी इंडियन सेलिब्रिटी से मिलेंगे, कब हमें इंडियन सेलिब्रिटी और BTS मेंबर्स का आमना सामना देखने को मिलेगा, तो आर्मी ऐसा लगता है ये ड्रीम आपका जल्दी ही पूरा होने जा रहा है. क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत सारी रिपोर्ट्स ने इस बात को कन्फर्म किया है कि गुशी के जो दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड्स में से एक है उसके अगले ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि जिन हो सकते हैं. 12th ऑफ जून जिस दिन जिन मिलिट्री से वापस आए थे तो गुशी ने आप लोगों को याद होगा जिनके लिए बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट भिजवाए थे जिसे देखकर फैंस को पहले ही अंदाजा लग गया था. लेकिन आज सुबह एक बार फिर से गुशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी अपलोड करते हुए एक फोटो डाला जिसमें एक एस्ट्रोनॉट और गुशी का बैग साफ साफ दिखाई दे रहा है. और इस फोटो पर लिखा है हम किसी अननोन को इन्विटेशन भेज रहे हैं और फैंस को लगता है ये इन्विटेशन किसी और को नहीं बल्कि जिनको होगा. वही आलिया भट्ट तो पहले से ही ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले किसी बड़े इवेंट में जो कि समर इवेंट हो सकता है जिसमें गुशी की समर कलेक्शन लॉन्च की जा सकती है उसमें हमें BTS सुपरस्टार जिन और इंडियन सुपरस्टार आलिया भट्ट पहली बार एक साथ नजर आ सकते हैं जिस तरह आयु और आलिया भट्ट एक साथ गुशी के इवेंट में नजर आए थे. और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से इंटरनेट पूरी तरह ब्रेक हो सकता है, हमारी लाखों करोड़ इंडियन BTS आर्मी का ये सपना भी पूरा हो सकता है. तो भैया सभी की फिंगर्स क्रॉस्ड है. अब देखना यह है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई होती है. लेकिन तब तक आप लोग अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कितना एक्साइटेड हो अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना.